जिले में 4 कोरोना के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं और इसके दृष्टिगत जो क्षेत्र उनसे संबंधित है उन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में पुलिस पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई और बैरिकेडिंग कराई गई है। ये देखने में आया है कि कई मामलों में जो लोग बाहर से आ रहे हैं अभी भी और बिना स्क्रीन कराए अपने परिवार या अपने गांव में चले जा रहे हैं, उनके माध्यम से भी संक्रमण फैलने का खतरा लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी लोगों से हम लोगों की अपील है और यह निर्देश भी है कि किसी भी परिस्थिति में बाहर से यदि परिवार का, समाज का, संबंधित में कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना, संबंधित चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जरूर दें। उसको घर में रहने से पहले उसकी स्क्रीनिंग अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज के अन्य लोगों में संक्रमण नहीं फैले। हम आप सभी जानते हैं कि देश के कई ऐसे स्थान जो मुख्यतः जहां काफ़ी लोग माइग्रेंट होकर के रहते हैं वहां पर कई ऐसे क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, पुणे, इंदौर, गुजरात के कई ऐसी जगह हैं। ऐसी जगहों से भी लोग आ रहे हैं या राज्य के बाहर कहीं से भी लोग अभी भी चोरी छिपे यदि आ रहे हैं तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनकी प्राथमिक चिकित्सा जांच करानी काफ़ी आवश्यक है। इसलिए वैसे लोगों की पहचान करके बताया जाए ताकि उनकी स्क्रीनिंग कराई जा सके। और जो हम लोगों ने अभी कंटेनमेंट जोन बनाया है उसमें लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन के द्वारा सभी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चिकित्सा पदाधिकारी लगातार अपने दायित्वों पर अड़िग हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा।